दोस्तों अक्सर आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो चार्जिंग मोबाइल कहीं ऐसी जगह आप लगाते हैं जहां पे बोर्ड रहता है बट वहां पे आप मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं रहती। इसके लिए हम आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेके हैं जिसके लिए आप कहीं अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाएंगे। साथ ही अगर आप इस गैजेट को आप यूज़ करते हैं तो आप उससे मतलब वहाँ पर आप चार्ज मोबाइल को कहीं भी अच्छे तरीके से रख पाएंगे, आपका फ़ोन जो है नहीं गिरेगा इस गैजेट के जरिए। तो आज के इस वीडियो में हम इस गैजेट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। काफ़ी एक्साइटेड और कूल गैजेट है, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है। इस वीडियो में हम इसका करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से आपको इसको लगाया जाता है और कैसे इसको यूज करेंगे और किस तरह से आपके मोबाइल के लिए काफ़ी अच्छी सुरक्षा सिर्फ 150 से 200 रुपये तकरीबन आपके आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये रैप छोटी सी रैप को पहले हटाते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर कैसा है और किस तरह से हम इसको लगा के दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इस रैप को हम इसको हटाते हैं पहले बाहर, इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस रैप को ब्रेक करते हैं, इसके बाद आपको आगे का इसका दिखाते हैं। सबसे पहले इस रैप को हमने कर दिया ब्रेक और रैप ब्रेक करने का सिंपली आपके पास एक इस तरह का कुछ बॉक्स मिल जाता है। इसके अंदर अभी कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसको फिलहाल साइड में रखते हैं। यहाँ पे इसके अंदर अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिंपली आपको डायरेक्टली इसके बाद आपको डायरेक्टली बॉक्स दे दिया जाता है। कुछ इस तरह का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह का आता है बाहर से देखने में। इसका बॉक्स कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये राजकोट का दिखा रहा है बट यहाँ पे कहाँ पे बनाया गया है यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, शायद ये मेड इन इंडिया है प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपका ये काफ़ी एक्साइट अच्छी चीज़ है कि ये मेड इन चाइना नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ चाइना का नाम वगैरह मेंशन नहीं है, कंट्री वगैरह। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि चाइना का नाम और निशान इसमें पैकेट में नहीं है। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। तो हम इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके बॉक्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरह से दिखने वाला। जी हाँ, ये कुछ इस तरह से इसको निकालना है आपको और आपको निकलने के बाद इसको वहाँ पर सिंपली किसी भी जगह पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर हम इसको लगाने वाले हैं, अगर ये अच्छे तरीके से काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो हम करने वाले हैं इसको रिटर्न। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आई होप कि ये मेरे बोर्ड में लग जाए, अगर ये नहीं लगा तो हम इसको कर देंगे रिटर्न। देखते हैं अभी हमारे बोर्ड में अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाता है या नहीं हो जाता है। और अगर हालांकि मैंने इसके एक नहीं दो पैकेट मंगाए हुए, एक मुझे साइड में पड़ा हुआ है, दो तीन पैकेट मंगाया हुआ था मैंने, एक और हमने इसके ऑर्डर कर दिया है क्योंकि हम इसका करने वाले हैं एक गिवे। हालाँकि इस वीडियो में जो भी विनर होगा मैं उसको एक या तो उसको घर पर पहुँचाऊँगा कुरियर के जरिए या फिर मैं उसको खुद इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करके या फिर मैं उसका प्राइस देने वाला हूं। तो हम इसको दिखा देते हैं इसको इंस्टॉल कर किस तरह से लगाया जाता है। एक बार मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूं, क्या पता शायद लग जाए। तो अभी हम इसको लगाने वाले हैं, आपको दिखाते हैं इसके बाद कि किस तरह से इंस्टॉल होता है और कैसे ये इसी मोबाइल चार्जिंग में लगने वाली है। काफ़ी सैलेड गैजेट है, अगर आप मोबाइल को सेव रखना चाहते हैं, बच्चे आपके घर में हैं आपका फ़ोन गिरा देते हैं, तो आपको इस गैजेट को ज़रूर परचेस करना चाहिए। काफ़ी कूल गैजेट है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200 से 300 रुपये में आपको मिल जाना है, 200 के तकरीबन मिल जाएगा। हालांकि ये 150 रुपये में मिल सकता है, मैक्सिमम इसको 150 में आपको मिल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं किस तरह से आता है और आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं इंस्टॉल किसी बोर्ड के पास और आपको दिखाते हैं किस तरह से ये लगता है। तो हमारे पास अभी एक सामने बोर्ड है, उसमें इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलो उसके आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से रहता है और कैसे आप मोबाइल को चार्जिंग में लगाना है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सिंपली सबसे पहले इस रैप को हमको निकालना पड़ेगा बाहर इसको चिपकाने के लिए। तो इस रैप को हम सबसे पहले बाहर निकालते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो इस रैप को हम सबसे पहले बाहर करते हैं, हमने इस रैप को कुछ इस तरह से बाहर कर लेना है। इसके बाद हमको जहाँ पर लगाना है इसको सिंपली आपको उस जगह पर इसको चिपका देना है, लेकिन ध्यान रखना है मिट्टी के दीवार पर पकड़ अच्छे तरीके से नहीं करेगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इस बोर्ड पे प्लेस करने वाले हैं, चिपका देते हैं साइड में। और अगर आप टाइल्स पे चिपकाएंगे तो अच्छे तरीके से चिपक जाएगा, तो इस बोर्ड पे भी चिपक जाएगा। तो हम बोर्ड पे भी चिपका दिए हैं कुछ इस तरह से। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको मोबाइल इसमें लगाना है। तो कुछ इस तरह से मोबाइल को चार्जिंग में लगा के यहाँ पर आपको लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी जगह रखने के लिए मोबाइल नहीं थी, जिस तरह से आप मोबाइल लगा सकते हैं। मोबाइल में से गिरने का चांस बिल्कुल ना के बराबर, मतलब 0% है। आई होप गाइस आपको काफ़ी वीडियो एक अनबॉक्सिंग अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।